मैं बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में पैसे डूब सकते हैं और अगर ये आपके साथ ना होना तो कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है। वो चीजें करना बहुत जरूरी है क्योंकि डेटा ये कहता है कि 2020 के कंपेयर में ना 2021 में ना काफी लोगों ने म्यूचुअल फंड SIP को रोका है। म्यूचुअल फंड की ताकत शुरू में नहीं पता चलती, लेकिन जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, आपका पैसा कंपाउंड होकर ग्रोथ होता है। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा थंबनेल क्यों सर, आप तो म्यूचुअल फंड का इतना गुणगान करते हो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या रियल में है कि लोग पैसे डूब सकते हैं? क्योंकि सर कंप्लीटली आप सारी इंफॉर्मेशन बताते रहते हो कि म्यूचुअल फंड से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में आपने बताया है क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म में, अगर प्लान करते हो आप तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, मतलब सेफ फॉर द लॉन्ग टर्म। आपका जो म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट में ना इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पास, मतलब लोग ना कभी कभी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि हम मार्केट में इन्वेस्ट करें और मेरे लिए कोई और काम करे। मतलब क्या, मतलब ये कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हमारे पीछे हैं जो आपके पैसों को मैनेज करते हैं और उस पैसों को प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो म्यूचुअल फंड यहाँ सेफ हुआ, सेफ हुआ ना, यहाँ पास आप इनडायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत आसानी से पैसे बनते हैं यहाँ पास। अब आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशन हो गई हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है। ग्रो एप्लीकेशन मैं हमेशा क्यों बताता रहता हूं, क्योंकि इतनी सेफ एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट अथोराइज्ड एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है मैंने। तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, सब कुछ समझ में आ गया है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो 100 रुपीज से 200 से लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हो। तो KYC कंप्लीट करके शुरू कर सकते हो। अभी ना फायदे गिना रहा हूं, अभी जो बात बताने वाला हूं ना, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा घबरा जाओ। तो ये तो फायदे हैं जो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं। अगला फायदा क्या है, टैक्स बेनिफिट होता है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। सर आपने बहुत बता दिया है कि म्यूचुअल फंड में ना कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, मतलब 1000 रुपए की अगर 5000 बना आपका सालाना, सपोज बना 5000, तो 5000 अगर बन गया ना तो अगले साल 5000 का जो इंटरेस्ट बनेगा ना उसको प्लस करके आपको बेनिफिट मिलने वाला था। लेकिन दोस्तों ये सारे ना बेनिफिट है जो ये मैं बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में पैसे डूब सकते हैं और अगर ये आपके साथ ना होना तो कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है। वो चीजें करना बहुत जरूरी है क्योंकि डेटा ये कहता है कि 2020 के कंपेयर में ना 2021 में ना काफी लोगों ने म्यूचुअल फंड SIP को रोका है। अब कंपेयर क्यों है, क्यों रोका है, इसके पीछे हम जानेंगे रीजन। और इंपॉर्टेंट थिंग की सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में चाहते हो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना, बढ़िया पैसा बनाना, हर वीडियो में बताता रहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हर दिन कोई ना कोई लोग जुड़ते हैं, हर दिन 20 से 30 हजार लोग देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर वीडियो में ना थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। द थिंग इज दैट कि 2020 में रिपोर्ट आई थी कि 2020 के कंपेयर में 2021 में काफी लोगों ने पैसा निकाला है। अब यहां पास काफी लोगों ने पैसा निकाला तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों ने पैसा स्विच किया है। स्विच कैसा किया है, सपोज कोई बंदा ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक्सिस मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा था, वो अचानक इसको पता चला कि यार अगर एक्सिस मिड कैप में कर रहे हैं थोड़ा सा रिस्क और कर सकते हैं, तो आई कैन इन्वेस्ट इन द एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अब यहां पास बंदे ने स्विच किया, लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर बंदे ने वहां स्विच किया है ना, तो वहां पास काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने SIP को क्लोज किया है। द रीजन इज दैट, क्लोज करने का सिंपल रीजन तो वी कैन अंडरस्टैंड कि रीजन वॉज कोरोना। हमको पता था कि काफी लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसकी वजह से काफी लोगों ने SIP क्लोज की है। लेकिन आपको पता है कि अगर SIP आप वहां क्लोज नहीं करते, कंटिन्यू बने रहते, कंटिन्यू कितने दिन बने रहना, हमेशा बोलता रहता हूं कंटिन्यू आपको बने रहना मोर देन 6 to 7 years बने रहना है। म्यूचुअल फंड की ताकत शुरू में नहीं पता चलती, लेकिन जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, आपका पैसा कंपाउंड होकर ग्रोथ होता है, रियल। तो ये फैक्ट है, जब भी आप पैसे का प्लान करते हो कि आपको इन्वेस्ट करना है ना, हमेशा ये प्लान करो कि पैसे को मुझे मोर देन 6 to 7 years पैसे इन्वेस्ट करना है हर महीने, सिचुएशन कैसी भी हो वहां से आपको पैसे इन्वेस्ट करना है। लोग पैसे क्यों निकाल रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि सबसे पहले जो मार्केट क्रैश हुआ था ना, उसका डर, उसका डर। वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मार्केट क्रैश सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है हम सबके लिए कि आप जितना ज्यादा पैसे वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे,
ज्यादा यूनिट्स आपको मिलेगी, ऑलरेडी आपको पता है। तो ये चीज मार्केट क्रैश और डर, डर क्या रहता है, फाइनेंशियली डर रहता है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि ये पैसे हम जो लगा रहे हैं ना, ये पैसे इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि आपके पैसे ये डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से होकर शेयर मार्केट में लगता है, जहां आपका म्यूचुअल फंड पैसे लगाता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर पैसे लगाते हैं, तो वहां पास डर बना रहता है। लेकिन आपको बताऊं, यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखो ये काम जरूर कर लेना, वो काम ये रहेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अपनी ना जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है ना उसको चेंज करना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्लान कर रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट के लिए के आपको ये स्ट्रेटजी बनानी होगी कि जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, हमेशा उसको बढ़ाते रहो। अगर आप प्लान कर रहे हो कि सपोज मेरे को 12-14%, 12-15%, 16% मुझे मिला है, अभी तक कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहां पास आपको ना थिंक करना पड़ेगा मोर देन 15 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स। अगर ये प्लान आप करते हो तो डेफिनेटली अच्छा पैसा बना सकोगे। बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है जहां पास आपने देखा है कि आप अगर उस म्यूचुअल फंड पे लेते हो ना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का जो रिकॉर्ड है, पास्ट 8-10 ईयर्स का रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रहा है, राइट। तो यहां पास हमेशा प्लानिंग थिंकिंग करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म, पहली बात। अगर जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, डेफिनेटली वो इस राह पे चल देते हैं कि पैसा वो डूब सकता है, क्योंकि डूबना इन द सेंस क्या होता है कि पैसा काफी निगेटिव हो सकता है मार्केट सिचुएशन में। अगर वो डर गए तो पैसे निकाल देंगे। देखो यार, एक मेहनत करने वाले का पैसा, अगर मान लो अगर वो 1,50,000 रुपीज डाल रहा है मार्केट क्रैश में, अगर वो कम पैसा निकाल रहा है तो उसके लिए वो पैसा डूबना ही माना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि पैसों की वैल्यू ना, हमें पता है पैसों की वैल्यू क्या, लगातार कंटिन्यू आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसों की वैल्यू बढ़ती है, ना कि सेव करने पर। हम सोचते हैं आज के जमाने में अगर सेव की बात करोगे ना, यहां पास इंपॉर्टेंट आपका बनता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सेव नहीं करना है। तो हमेशा मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आप ये प्लान करते हो कि यार मैं पैसे सेव करके ना अमीर बन सकता हूं ना, तो सोचना वॉरेन बफेट जैसे लोग, राकेश झुंझुनवाला जैसे लोग ना हमेशा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिए। इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पैसों को बढ़ाना है, पैसे को आपको इंक्रीज करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में आप पैसे डाल रहे हो, SIP में पैसे डाल रहे हो, यहां पास आपको बात है, क्योंकि ये आर्टिकल जब मैं पढ़ा ना, सच बताऊं रियल में थोड़ा सा मैं धक्का खाया, मुझे अंदर से धक्का लगा कि यार वाई, क्यों लोग ऐसे पैसा निकाले। आपने इन्वेस्ट कर दिया, कुछ टारगेट आपने ले रखा होगा, कुछ फ्यूचर का टारगेट ले रखा होगा, सपोज मेरा बेटा 10 साल का है, मेरा बेटा 12 साल का है, 10 साल बाद 12 साल बाद मेरी बेटी की शादी होगी, तो वाय मार्केट सिचुएशन कैसी भी है, मैंने आपको हमेशा बताया है, ग्राफ से समझाया है, मार्केट अगर ऐसे रहता है तो नीचे भी आता है, नीचे भी आता है तो ऐसे रहता है, नीचे ऊपर नीचे चलता है मार्केट का, लेकिन आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट हमेशा हमें ऐसा ही दिखता है। मतलब अगर आपने यहां पास 10,000 रुपीज लगाए हैं तो डेफिनेटली ये ना 1 लाख बनेंगे एक दिन। आपको इस पॉइंट पे घबराना नहीं है। सपोज ये एग्जाम्पल अगर कोरोना का है, 2020 का है, आपको इस पॉइंट पे घबराना नहीं है, क्योंकि इट वॉज अ ट्रैप, ये ट्रैप था मार्केट में, काफी लोगों का, बड़े इन्वेस्टर्स का ट्रैप था कि अगर आपने यहां पास आप घबरा गए ना, पैसे निकाल लिए, तो ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इसलिए आपको मैं समझाता रहता हूं, कभी भी प्लान, कभी भी SIP को विड्रॉ करने का प्लान मत करो, कभी भी पॉज करने का प्लान मत करो। अगर प्लान कर रहे हो कि यार पैसे नहीं है, सिचुएशन खराब है, कोई बात नहीं, 1-2 महीने के लिए आप रोक सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि SIP आप कंटिन्यू करोगे, तभी आपको ना कंपाउंडिंग का ग्रोथ मिलेगा। नहीं तो आप यही बोलोगे कि सर आप इतनी सारी वीडियो बनाते हो, इतनी सारी बातें करते हो, सब बेकार रहती है। तो बेकार इसलिए रहती है क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो घर घर SIP का सपना जो मैंने देखा है, आप सबने देखा है, कैसे पूरा होगा, ये ऐसे ही पूरा होगा कि आपकी जो प्लानिंग चल रही है, मैं चाहता हूं कि कुछ समय बाद जब हम मिले, आप मिले ना, तो डेफिनेटली फाइनेंशियली फ्री आप भी हो, राइट। तो यहां पास हमें ये थिंकिंग रखनी होगी कि यार जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स पे आते हैं। जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहला ना हमें 10% बढ़ाना चाहिए हर साल। 10,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश करो कि 10,100 आप सालाना 100 रुपीज और इन्वेस्ट कर दो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। आप अगर देखो यार कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी सैलरी भी थोड़ी बहुत बढ़ती है, काफी लोगों की बढ़ती है। काफी लोग बोलेंगे सर बढ़ती तो नहीं है बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आप ना कुछ डिफरेंट काम कर रहे हो, मुझे मालूम है वहां से कुछ सैलरी आती है, उसको इंक्रीज करो। स्टेप अप इसी को कहा जाता है कि अगर आप अमाउंट को, ग्रो एप्लीकेशन में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड ले रहे हो उसमें फैसिलिटीज है कि आप वहां पास ना इन्वेस्ट मोर पे जाके आप और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहां पर इसको बोलते हैं स्टेप अप, जिसको बोलते हैं, ये टिप्स है,
म्यूचुअल फंड में जो लोग घबरा जाते हैं मार्केट को लेके, उनके लिए ये टिप्स है। यहां पास टिप्स जान के ना पैसा बना सकते हो, क्योंकि अगर ये मैं डरा सकता हूं ना, अगर ये डर गए होगे ये पॉइंट देख के ना, तो डेफिनेटली ये पॉइंट पढ़ के ना डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लगेगा, थोड़ा आपको फील होगा कि लिटरली अगर चीजें मार्केट में डाउन हो रही हैं, चीज सिचुएशन जहां लोग पैसे निकालने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर ये आप प्लानिंग करते हो तो डेफिनेटली पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलवेज प्लान फॉर द 10 ईयर्स, मैंने आपको बता दिया है। कभी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट, SIP इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे फंड मैंने बता रखे हैं, उस फंड में से कोई फंड सिलेक्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हो आप। लेकिन स्टार्ट ये है कि ऑलवेज प्लान फॉर द मोर देन 10 ईयर्स। आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर कभी आप देखना, जब भी आप देखोगे ना तो आपको हमेशा दिखेगा कि जब भी आप SIP कैलकुलेटर में ना इनिशियली शुरू के 3-4 साल 5 साल बाद आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वंस 8 ईयर्स क्रॉस्ड आपको डेफिनेटली चेंजेस मिलता है। तभी अचानक आप देखते हो कि म्यूचुअल फंड में यार शुरू में लोग बस पैसे नहीं रहते, लेकिन धीरे धीरे जब पैसा ही पैसा बनता है उनका ना, तो उसी पैसे से कंपाउंडेड ग्रोथ देखने को मिलती है। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी आप प्लान कर रहे हो ना, हमेशा अगर टेन ईयर्स के पार करो तभी म्यूचुअल फंड में आओ, नहीं तो मैं तो बोलूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में मत आओ, फिर आप रिस्क ले रहे हो लाइफ के साथ। 10 ईयर्स के पहले लोग अगर आते हैं ना, तो यहां पास समझ लेना कि उनके पास काफी रिस्क रहता है, वो म्यूचुअल फंड में ना आए यार, डेफिनेटली। अब अगली पॉइंट है, डायरेक्ट प्लान ही लेना है। क्यों बोलता रहता हूं डायरेक्ट प्लान हमेशा मैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मैंने देखा है ना कि बहुत दिन बाद उनको रियलाइज होता है कि सर जो म्यूचुअल फंड मैंने लिया था आपने मुझे बताया कि ग्रो एप्लीकेशन से कर लो, मैंने किया। कुछ लोगों ने बताया कि अरे यार एप्लीकेशन समझ में नहीं आता, एक दिन भाग गया तो क्या होगा, इसीलिए क्या करते हैं, मेरे बगल में जो सिन्हा साहब है ना उनसे मैं करवा लेता हूं म्यूचुअल फंड। अब उन्हें क्या पता था कि सिन्हा साहब हमारे रेगुलर जो प्लान है वो सेल करते हैं, वो बेचते हैं। अब आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 to 12 ईयर्स उनको रियलाइज हुआ मिश्रा जी को कि भाई साहब जो हमने किया था ना वो रेगुलर प्लान था, डायरेक्ट प्लान तो कुछ और होता है, अगर मैं डायरेक्ट प्लान में किया होता तो आज मुझे 5 लाख तक का फायदा होता। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए हमेशा जो प्लान लेते हो ना डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। बैंक में जाना, बैंक इज ऑलवेज प्लान फॉर द रेगुलर प्लान, वो भी रेगुलर प्लान करते हैं। यहां पास आप कर सकते हो, यहां पास आप डायरेक्ट प्लान ग्रो एप्लीकेशन दे रहा है, ग्रो एप्लीकेशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो डायरेक्ट मार्केट में करते हो, किसी का कमीशन यहां नहीं होता। इसीलिए म्यूचुअल फंड में जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड देखोगे ना ग्रो में लिखा रहता है, एग्जाम्पल लूंगा मैं, निपोन इंडिया डायरेक्ट ग्रोथ फंड, एक्सिस डायरेक्ट ग्रोथ फंड, SBI डायरेक्ट ग्रोथ फंड, यहां पास डायरेक्ट लगा है क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी डायरेक्ट इन टू द मार्केट। कोई यहां पास बीच में कोई नहीं है जो कमीशन लेता है। और लिटरली और इंपॉर्टेंट थिंग और एक और चीज है डायरेक्ट प्लान में, देखो यार कन्वर्ट करने के लिए वीडियो आ जाएगी कैसे कन्वर्ट करना, मैं बना दूंगा, लेकिन समझो कि आपका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो ये छोटे छोटे टर्म ना मैं आपको क्यों बताता रहता हूं, हर बार नए लोग जोड़ते हैं उनको पता होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो, आप जब इन्वेस्ट करते हो मार्केट में तो जो लोग आपका पैसा मैनेज करते हैं उनका कुछ खर्चा होता है यार, तो एक्सपेंस रेशियो होता है। रेगुलर प्लान में खर्चा ज्यादा होता है उनका, डायरेक्ट प्लान में कम होता है। राइट, आप समझ गए होगे आपको क्या प्लान लेना चाहिए। कभी भी 10 ईयर्स का प्लान मत लो, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। और सेकेंड थिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट सिचुएशन अभी जो चल रहा है ना, कभी 200 पॉइंट ऊपर, कभी 150 पॉइंट नीचे, तो ये सिचुएशन है ना इसको बोलते हैं मार्केट ट्रैप कैपिटलाइजेशन। यहां पास आपको ना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते जाना है, ध्यान रखना मेरी बात, यहां पास आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते जाना है। अगर किसी दिन 200 पॉइंट 150 पॉइंट सेंसेक्स नीचे आता है ना, समझ लो भाई अपॉर्चुनिटी है, यहां मौका है कि आप म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड यहां पास आप इन्वेस्ट कर दो और पैसा बना लो, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मिल जाए। राइट, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि अगर मैंने फायदे बताए हैं तो फायदे बताने के बाद भी काफी लोगों ने पैसे निकाले हैं मार्केट से। अब लोगों ने पैसे निकाले तो क्यों निकाले, मैंने आपको बता दिया। आप ये गलती मत कर देना जो लोगों ने किया है, नहीं तो पैसे यहां काफी डूबने के चांसेस रह सकते हैं। और द इंपॉर्टेंट थिंग, टिप्स जो मैंने टिप्स बताए हैं, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे आया हो ना, सब्सक्राइब कर ही लिया होगा कोई, आपको पता है बहुत ही आसान भाषा में म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूं आपके ही चैनल में। राइट, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में अपने प्यार देते रहना, मिलते हैं संडे के लाइव शो में जरूर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।